सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप सो गाइस सब बढ़िया ही होंगे मेरी तरह। सो आज जो है, आज से हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक गेम है, जो हम फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, जो है GTA 5। ठीक है। सो गाइस, मैंने ये गेम जो है वो पहले आज तक कभी नहीं खेली है। सो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इसके हम लोग जो है वो सारे के सारे एपिसोड खेलेंगे, जितने भी एपिसोड हैं। और इसमें मेरे को पता है कि दो तीन बंदे हैं शायद से, एक ट्रेवर है, एक माइकल है और एक फ्रैंकलिन है। बाकी मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, बस इन दो तीन के बारे में पता है। बट हाँ, काफी ज्यादा सही गेम है, इतना तो मुझे पता है इसका, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इसके गेम प्ले देख चुका हूँ ना। सो हाँ, आज खेलते हैं इसको फटाफट से। तो भाई स्टार्ट हो जाए यार जल्दी से। डॉगी डॉगी डॉगी, इंकी पिंकी चौंकी, मेरी दोस्त पोंकी, पिंकी डाउन। एक 1.5। तो ऑलराइट गाइस, हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहां पे पता नहीं क्या सीन हो रहा है। ओके, यहां पे बैठे हुए हैं। अब ये बंदा पता नहीं क्या होना है, इसका नेम मेरे को पता नहीं है। ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली गाइज, इनकी बात हो चुकी है। तो ये पता नहीं अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा था कि मेरा लड़का है और ऐसे ऐसे, वो इसकी बात नहीं मानता होगा शायद से, ऐसे मुझे लगता है। और यहाँ पे जो है, अब हम लोगों को एक कार चोरी करनी है शायद से। वेट, हमें कार चोरी करनी है क्या यहाँ पे? ओके, सो गाइज, ये वाला करेक्टर मेरा है और ये जो है ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, हमें इसके पीछे जाना है और जहां ये कार लेके जाएगा हमें वहां पे जाना है। और पता नहीं क्या सीन होने वाला है, मतलब खतरनाक ही होने वाला है, इतना पता नहीं है मुझे। कि दोनों कारें हम लोगों ने चोर लिया है और पुलिस भी हमारे पीछे पड़ सकती है। ठीक है, सो ओके, बाकी तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ खतरनाक सीन होने वाला है गाइस, जो भी होगा मतलब मजा आने वाला है, खतरनाक वाला। सो ऑलराइट गाइस, हमारा फ्रेंड निकल गया आगे के लिए, हम भी निकलते हैं फटाफट से। चलो अब हमें इसका पीछा करना है। ठीक है, जहां ये जाएगा हम लोगों को वहां ही जाना है ना। सो ये व्हाइट वाली कार है उसकी। ठीक है, सो ओके, सॉलिड गाइस, फटाफट से इसके पीछे पीछे जाते हैं। अच्छा भाई, ये एकदम से मुड़ जा रहा है यार, पता भी नहीं लग रहा है भाई इसका। थोड़ा इंडिकेटर वगैरह तो देते भाई। शिट यार, ये गलत सीन हो गया भाई, ये बंदा निकल गया है और मैं यहाँ पे ही फंसा रह गया। ठीक है, वेट वेट वेट, ये गलत सीन हो गया और वो पता नहीं कहाँ को चला गया, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा अब तो। वेट, चल 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 चल, शिट 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 शिट, चल 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 भाई, गया कहाँ यार भाई, दिख क्यों नहीं रहा है वो गलत सीन हो गया वो, मेरे को लगता है निकल गया कहीं का। और मैं भाई अभी अच्छा ड्राइवर भी नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा वो गया। सो गाइस, वो सामने चला हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी गाड़ी की स्पीड से पता लग जा रहा है, जो नॉर्मल लोग है ना वो बिल्कुल ही आराम से चल रहे हैं और ये काफी ज्यादा फास्ट चल रहा है। ठीक है, सो ये सामने चला हुआ मेरे, यही तो है ना। हाँ यही है। सो ओके, पता नहीं कौन सी गाड़ी है भाई, ये मैक्लारेन है कि कौन सी? ओ भैंस भाई, ये गलत सीन हो गया। रुक 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 रुक, कितना ज्यादा तेज भाग रहा है यार। अरे वेट 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 वेट, चल 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 चल, मेरे को इसके पीछे भाई पूरी तरह से भागना पड़ेगा, मतलब फुल स्पीड में भागना पड़ेगा, तभी मैं इसका पीछा कर पाऊंगा ठीक से। ओ भैंस भाई, ये गलत सीन हो गया भाई, इसने गलत जगह ठोक दिया गाड़ी है ना। वेट वेट, ओ भाई क्या गलत सीन है, चल चल चल। यहाँ पे क्या है भाई, ये आर्मी वाले हैं क्या? ओ शिट शिट भाई, इनका पूरा ड्रेस ड्रुस का सिस्टम ही हमने कर दिया। और शिट यार, अभी पुलिस वाला आ गया मेरे को मारने के लिए। वेट वेट वेट, चलते इधर से फटाफट से। अच्छा यहाँ से अंदर को टर्न होना है क्या भाई? पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ रहे हैं, एक इसकी वजह से सारा का सारा सीन है। ठीक है, पता नहीं ये गेम कैसे स्टार्ट हो रही है। गेम के स्टार्टिंग टाइम में तो पता है क्या था, कि जब मैंने पहली बार खेली थी ना, तब मुझे इतना याद है कि स्टार्टिंग टाइम में जो है हम लोग एक बैंक रॉबरी करते हैं और बैंक रॉबरी के बाद पता नहीं क्या क्या सीन होता है। और यहाँ पे तो अभी हम फिलहाल के लिए कार चोरी कर रहे हैं, इधर पता नहीं क्या सीन हो रहा है। ठीक है, बट हाँ बैंक रॉबरी का तो मेरे को पता था कि बैंक ओ शिट भाई, बैंक रॉबरी का तो मेरे को पता था कि उसमें क्या ही सीन था। ठीक है, ओके, इनके पीछे जाना है भाई, कैसे कैसे रोड में लेके जा रहा है भैंस भाई। मेरे को मन कर रहा है इसको ठोक दो यार, गलत गलत सीन कर रहा है, मतलब गलत गलत जगह लेके जा रहा है। और भाई ये क्या है यार, भाई कैसे जंप है यार, खतरनाक ही। और वेट वेट वेट, बूस्ट लगाता हूँ जरा। ओ शिट शिट भाई, बूस्ट की जगह पता नहीं क्या ही लग गया था, गलत सीन हो गया। वेट वेट, अच्छा इस तरफ जाना है क्या? मेरे को लगता है मेरी गाड़ी तो गलत ठुक गई है इस टाइम भाई। इसकी गाड़ी देखो, जरा भी टच भी नहीं हो रही है कहीं पे। देखो गाड़ियों के साथ भी टच हो तो हुई तो हुई, बट मेरी जितनी ज्यादा टच हो रही है ना उतनी इसकी नहीं हो रही है, क्योंकि एक्सपर्ट है ना अभी यहाँ के रोडों में। अब थोड़े टाइम बाद मैं एक्सपर्ट बनूंगा। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा टाइम है मेरे को एक्सपर्ट बनने के लिए। वेट, सो ओके, चलो चलो चलो। सो ये पता नहीं क्या सीन है भाई, ये कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है।
पर चलो कोई चक्कर नहीं, हमें घूमने तो मिल रही है ना जगह सही सही से। वेट यहाँ पे क्या सीन है भाई? ओ भाई ये गलत सीन हो गया, लाइट्स तो ऑन कर दिया मैंने। पठान वेट भाई कहाँ चला गया वो? वेट 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 भाई गया कहाँ पे भाई? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इधर से अंदर तो चला गया वो। अच्छा वो है, वो है। चलो चलो भाई कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है? और भैंस की भाई ये गलत सीन हो गया है, मेरी गाड़ी पूरी पूरी तरह से ठुक गई है। ओके भाई अब पुलिस वाले भी हमारे पीछे पड़ गए हैं और मेरे को लगता है ये भाग जाएगा और मेरे को फंसा देगा। ठीक है सो राइट, हमारी आपस में बात भी हो गई है और भाई मेरे पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए अब तो। ठीक है अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है अब हमें जाना कहाँ को है। ठीक है यहाँ पे क्योंकि रास्ता भी नहीं है। और वेट ये गलत सीन हो गया, यहाँ पे हमें यहाँ से होके निकलना पड़ेगा पुलिस वालों से बच के। ठीक है बट भाई निकलूँ कैसे यार, कहाँ लेके आ गया है मेरे को भाई? ये गलत सीन हो गया भाई, तो इधर से निकलता हूँ फटाफट से भाई। कैसे कैसे रास्ते में जाने पड़ रहा है यार। वेट 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 भाई ये क्या सीन हो रखा है? चलो 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 यहाँ से भागना पड़ेगा। वेट वेट भाई गलत गोलियां पड़ रही है मेरे को, तो उसकी वजह से भाई मैं गलत फंसा यहाँ पे। ठीक है वो अपना तो भाई भाग गया ना वो एकदम से और मेरे को फंसा के चला गया। ठीक है और पुलिस वाले सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए यहाँ के। वेट इधर से निकलते हैं पहले तो फटाफट से, कहाँ को जाया मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। पुलिस वाले मेरे को गलत ठोक देंगे। ठीक है ओ शिट भाई ये गलत सीन है, मेरी गाड़ी भी पूरी पूरी ठुक गई है और पुलिस वाले देखो भाई सामने से आ रहे हैं। ठीक है वेट 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 चलो यहाँ से भागते हैं पहले तो। ओ भाई गलत सीन हो गया। वेट 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 भाई पुलिस वालों से बच के जाना पड़ेगा पहले तो मेरे को किसी मतलब पहाड़ी वगैरह में ना या गुफा वगैरह में चले जाता हूँ जहाँ पे पुलिस वालों को मैं दिखूँ ही ना। ठीक है इस तरफ चलते हैं। वेट इस तरफ तो होगी भाई कोई ना कोई तो गुफा होगी यहाँ पे पुलिस वालों से बचने के लिए। मैं क्या करूँ भाई यहाँ पे गलत सीन हो गया, इनके चक्कर में मैं गलत ठुक रहा हूँ। ठीक है वरना मैं तो बच भी जाता पहले। ओ ओ ओ शिट शिट भाई ये गलत सीन हो गया और पुलिस वाले सारे के सारे पीछे आ गए। ठीक है वेट 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 भाई मैं सोच रहा हूँ सामने वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है ना वहाँ को चलते हैं गाड़ियों से बच करके, अब कुछ भी हो जाए वहाँ पे ही चलते हैं सीधा। ठीक है सो राइट थोड़ी सी और स्पीड देनी पड़ेगी। वेट 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 चल 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 तो इस पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं सीधा जा करके है ना, वरना भाई गलत सीन हो जाएगा पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ना है हमें है ना। तो यहाँ पे चलते हैं फटाफट से। और सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बढ़िया पहाड़ी में और ए शिट यार भैंस की। चलो 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 वेट थोड़ी सी बैक करते हैं फिर आगे को करते हैं इसको। ठीक है वेट 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 ये गलत सीन हो रहा है। चल 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 सही यहाँ पे तो चलो कुछ कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही रहा है ना, बच तो रहे हैं हम लोग। वेट वेट अब पुलिस वालों को मेरे को लगता है कि लोकेशन शायद से मिट गई है मेरी, उनको पता नहीं लग रहा है कि मैं गया कहाँ पे हूँ। लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी पहाड़ी है पर यह है ना भाई खतरनाक पहाड़ी है भाई ये तो। अच्छा मुझे बैक जाना है क्या? ओके गाइस पुलिस वाले यहाँ पे भी आ गए। ठीक है ये पुलिस वाले हैं क्या? पर इनको पता नहीं है कि मैं चोर हूँ। ठीक है फाइनली मैं पुलिस वालों से तो बच गया हूँ, अब यहाँ पे इन पुलिस वालों को पता नहीं है कि मैं चोर हूँ, ये मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। अब मुझे जाना है जो मुझे यहाँ पे स्पॉट दिखाया हुआ है। ठीक है मुझे समझ नहीं आ रहा इस गेम में हो क्या रहा है, अगर मैं पुलिस वालों के साथ गलत पंगा ले लूंगा ना तो भाई मैं गलत ठुका जाऊंगा। ठीक है वेट यहाँ से होके चलता हूँ भाई, इनको थोड़ा सा तो शक हो रहा है मेरे पे, रुके तो हैं ये बट हाँ छोड़ो इनको होने दो शक, हम लोग इधर से निकलते हैं फटाफट। ठीक है इनको शक होने दो, हम लोग तो इधर से निकलते हैं फटाफट से, यहाँ से अंदर के लिए टर्न होते हैं। वेट शिट 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 ओ भाई गलत ठुक गया था अभी ये, अभी पुलिस दोबारा से मेरे पीछे पड़ जाती। ठीक है वेट 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 ओ शिट भाई एक पता नहीं क्या सीन हो रहा है, मेरे को चलाने नहीं आ रही है इन रोड में या क्या सीन है, मेरी गाड़ी गलत ठुके जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में। सो ऑलराइट इधर से निकलते हैं फटाफट से, चल 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 यहाँ से अंदर के लिए टर्न होना है। वेट सो ऑलराइट गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे बढ़िया एकदम से, सब इधर से सीधा निकलना है। वेट वेट यहाँ से अंदर को टर्न होना है। वेट अच्छा ओके यहाँ पे सामने जाना है हम लोगों को है ना, या तो मुझे लगता है बंदा जो है ये वही है शायद से हमारा फ्रेंड जो हम लोगों को जो है वो छोड़ के भाग गया था। ठीक है जब पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए थे तो उसने हमें फंसा दिया था और खुद निकल गया था। मेरे को लगता है इसकी गेम तो हमें बजानी पड़ेगी, इसको ठोकना पड़ेगा गाइस क्योंकि ये जो है जब हमें जरूरत थी तब ये भाग गया था है ना, इसने हमें मतलब गलत ठोक दिया था, अब इसको ठोकना पड़ेगा जा करके पहले तो। सो लाइट पहले फटाफट से स्पीड में निकलता हूँ यहाँ से तो। वेट 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 भाई पीछे हो जा यार, बीच में कहाँ आ रहा है तेरी वे, चल 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 चलो 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 चलो। सो लाइट गाइज मैं शायद से लोकेशन में भी पहुँच गया हूँ मे बी। ओके सर्विसिंग
सो गाइज ये तो सर्विस स्टेशन है, मेरी गाड़ी जो बिल्कुल पूरी तरह से ठुक गई है ना, उसकी सर्विस यहाँ पे होने वाली है। मैं सोच रहा था कि वो हम उस बंदे के पास चले गए जिस बंदे ने हमारे को गलत ठोका था, ठीक है यहाँ पे। अच्छा वो भी तो आया खड़ा हुआ अपनी गाड़ी लेकर के। सो ओके अब हमें यहाँ पे जाना है। ओके ओके ये गलत सीन हो रहा है इसमें। पता है क्या सीन है, इन्होंने आपस में बात करी ना, तो उसके बाद जो है वो कुछ बोल रहे हैं कि मनी वगैरह का कुछ इशू है। और ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है ना यहाँ पे सामने येलो जैसी, जो जिमनी की तरह दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी सी, और इसके अंदर जो बंदा बैठा ना ये काफी ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है यहाँ का, और इसने जो है गाड़ी बाय कर लिया है। और पता नहीं कुछ मनी मुनी का इशू है शायद से। अब हमें पता नहीं यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ से निकलना है शायद से हमारा जो फ्रेंड है उसके साथ में, ठीक है। सो ओके यहाँ से निकलते हैं, अपनी गाड़ी उठाएं या ये गाड़ी उठाएं। सो गाइस हम कोई भी उठा सकते हैं, मतलब सारी की सारी अपनी है। वेट बट नहीं, इसको नहीं उठा सकते हैं, हम लोग अपनी खटारा को भी चला सकते हैं, पर नहीं हम इसको भी नहीं चला सकते क्योंकि हमने ये यहाँ पे ठीक करने के लिए दे दिया, ठीक है। सो ओके अब हमें जो है इन लोगों ने नई गाड़ी दी हुई है जो शायद से मस्टैंग है ना, मस्टैंग तो नहीं लग रही है मेरे को, लैम्बोर्गिनी की कोई सी तो गाड़ी है ना, क्योंकि आगे लोगो तो लैम्बो का लगा हुआ है और है पता नहीं कौन सी गाड़ी है ये मेरे को पता नहीं लग रहा है, बट हाँ लैम्बो। ओ भाई अभी ठुक गया था, गलत सीन है। और इस बंदे की गाड़ी है, इसको लेकर के अब हमें मिशन पे जाना है। अब मिशन पता नहीं क्या होने वाला है हमारा, फिलहाल के लिए इतना पता नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि अभी हम काफी ज्यादा बड़े बड़े बंदों के साथ बैठे हुए थे मीटिंग करने के लिए, क्योंकि जो बंदा साथ में था ना वो बंदा काफी ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है यहाँ का, है ना, इतना तो मुझे पता लग गया है। बाकी तो पता नहीं क्या सीन होने वाला है, बट हाँ अब तो बड़े बड़े बंदों के साथ हमारा बैठना उठना हो गया, बट हाँ थोड़ा ही टाइम है भाई, अभी तो हमें तो राज करना है भाई पूरे इस पे, किंग बनना है हमें यहाँ का। तो हाँ देखते हैं अगर हम किंग बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए इसके लिए तो हाँ। बट भाई हमें जो है वो सारे के सारे मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद जा करके हम यहाँ पे कुछ अपना सिस्टम होगा, ठीक है। सो ओके यहाँ पे हमें अंदर के लिए टर्न होना है। वेट ओके मे बी शायद से ये मेरा घर है क्या। ओके गैराज में पार्क करनी है क्या है गाड़ी। वेट भाई मेरे को तो लगता है पूरी आ गई है। सो राइट गाइज हम लोगों ने कार जो है वो पार्क कर दिया एकदम से बढ़िया जगह पे, है ना। सो ओके क्या बोल रहा है, ये बंदे की ना मेरे को शक्ल ही बहुत बुरी लग रही है। पहले तो इसने मेरे को भाई गलत जगह फंसाया, अब ये मन तो कर रहा है इसको ठोक दूं। अब हमें जाना है एक बार्बर के पास में जहां हमारे को जो है वो हेयर कट करवाना है अपना, ठीक है। पहले तो मैं अपने घर में आ चुका हूँ, पहले अपने घर को देखते हैं घर में क्या सीन है। ओके यहाँ पे मेरी वाइफ बैठी हुई है जो कि कार्टून देख रही है, और ये पता नहीं किसके साथ फोन में लगी हुई है, और मेरे को बोलिए कि बाहर निकल जाए यहाँ से, कुछ नहीं रखा है तेरा यहाँ पे। भाई खाने के लिए भी मैं दे रहा हूँ, पैसे भी मैं दे रहा हूँ, गाड़ी भी मैं चुरा के ला रहा हूँ, और मतलब फिर मेरे को ही बोरी है। अब तो मैं थक गया हूँ पूरी तरह से, मन तो कर रहा है सो जाता हूँ, बट हाँ अभी बार्बर के पास जाना है, कपड़े पहनने हैं, उसके बाद अपना पूरा का पूरा जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाना है एकदम से, ठीक है, क्योंकि सही से दिखाना भी ठीक है। क्लोथ कैन बी चेंज्ड योर ओके। सो गाइस अब हम यहाँ पे जो है कुछ भी क्लोथ ले सकते हैं, ठीक है। सो ओके यहाँ पे देखते हैं कौन से कपड़े मुझे बढ़िया लगने चाहिए। यहाँ पे हमारा मिशन भी पास हो गया है। ऑल राइट गाइज सब यहाँ पे देखते हैं क्या सीन होने वाला है। वेट सो राइट गाइज हम लोग जो है यहाँ पे अब अपने क्लोथ चेंज करेंगे, ठीक है। सो मैं सोच रहा हूँ इस वाली सीरीज को जो है वो इसके एपिसोड जो है वो 20-30 मिनट के लेके जाऊं, अभी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे पहले सूट्स देखते हैं क्या पहनना है। भाई ये तो जरा अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो वेट
पहले तो इसके सूट देखते हैं, सूट कैसे कैसे है इसके पास। सूट जैकेट है, सूट जैकेट्स, टाइज नहीं भाई, सूट जरा भी अच्छे नहीं है। कैजुअल कैसे हैं इसके पास, टी शर्ट है नहीं भाई। मेरे को लगता है आउटफिट में हमें यही पहनना चाहिए, इनमें से कुछ पहनना चाहिए ठीक है। एक तो भाई इसकी बॉडी नहीं है, वरना इसको टी शर्ट पहन के ले जाता बढ़िया एकदम से, तो लड़कियों ने भाई हट फिर के देखना था बंदा आ कौन रहा है, फ्रैंकलिन है भाई ये, तब पता लगना था उनको फ्रैंकलिन है। सो इसमें ये वाले कपड़े भी बढ़िया लग रहे हैं, ये भी बढ़िया लग रहे हैं, ये वाले वैसे ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, ये ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये ठीक लग रहे हैं टोपी के साथ, टोपी नहीं भाई अभी तो इसके हमने हेयर कट करवाना है ना एकदम से बढ़िया वाला, तो हाँ वेट ये भी ठीक लग रहा है वैसे तो। और हैट्स में देखते हैं भाई, हैट तो मेरे को कोई भी अच्छी नहीं लग रही है, नो हैट करते हैं, नहीं नो हैट करते हैं, वेट वेट नहीं ये ठीक है भाई, ओके। सो गाइस हम लोगों ने हैट भी नहीं पहनी है, अब पैंट्स में देखते हैं जीन कौन सी ज़्यादा सही रहेगी, लोअर सही रहेगी, लोअर ठीक है। और शूज़ देखते हैं, शूज़ ऐसे ये भी अच्छे हैं, स्नीकर्स भी अच्छे हैं, और ये भी अच्छे हैं, बट ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई, जैसे नहीं ये वाले सबसे बढ़िया लग रहे हैं वैसे ना। और शर्ट्स में देखते हैं, शर्ट्स कोई सी बढ़िया सी मिलती है तो, नहीं भाई ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है, ब्लू ये वाली थोड़ी ठीक सी लग रही है ना। और शॉर्ट्स में देखते हैं, शॉर्ट्स थोड़ी पहनने हमें, क्या शॉर्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं वैसे तो, पर गर्मी है भाई बाहर, शॉर्ट्स कहाँ ही पहन के जाएंगे हम लोग इसको। मेरे को ना बाकी तो सारा का सारा सिस्टम ठीक लग रहा है, बट हाँ ऊपर वाला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मेरे को है ना, तो ऊपर के लिए इसको कुछ देते हैं पहले पहनने के लिए, जहाँ पे हमें शर्ट्स देखनी पड़ेगी। सो ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है, इसके पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं है अभी, ये थोड़ा सा गरीब है ना, तो हाँ जब इसके पास ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे तो एकदम से बढ़िया सीन हो जाएगा। सो ऑलराइट गाइस हम लोगों ने कपड़े भी पहन लिए हुए हैं एकदम से बढ़िया, सो कितना ज़्यादा सही लग रहा है भाई, फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। सो अब इधर से निकलते हैं बाहर के लिए, अब जाते हैं हेयर कट वगैरह करवाते हैं अगर होता है तो। भाई क्या बोल रही है भाई ये, भाई मैं तो कह रहा इसको ठोक दूंगा है ना भाई, क्या करना चाहिए, ठोकना चाहिए क्या, थोड़ा ये वाइफ है इसको क्या ही करना है। इसके साथ थोड़ी सी बहस वगैरह कर लेते हैं, और यहाँ पे जीपीएस ऑन कर देते हैं, सेफ हाउस, एटीएम, बार्बर, बार्बर के पास जाना है अब हमें ना, वेट सो के हम लोगों ने जीपीएस भी ऑन कर दिया। अरे पता नहीं क्या क्या बक्के जा रही है, तो इधर से तो निकलता हूँ मैं, ये मेरा घर है, ये मेरा किचन है यहाँ पे ठीक है, यहाँ मैं खाना वगैरह खा सकता हूँ, कुछ अगर खाने के लिए है तो देख लेता हूँ, तो फिलहाल के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, फर्स्ट एड रखी हुई है, पर फर्स्ट एड हमारी किस काम की है ठीक है। यहाँ पे हमारी अलमारी है, सो अलमीरा में जो है वो कपड़े सर अच्छा ओके, ये वॉशिंग मशीन वगैरह है, यहाँ पे हमारी साइकिल्स वगैरह पड़ी है, यहाँ पे एक और रूम है हमारा, मतलब घर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, हूँ तो मैं रिच बट इतना ज़्यादा सही नहीं है अभी, जो हमें चाहिए ना वैसा नहीं है, वैसा तो हमें बनाना पड़ेगा। सो के फिलहाल के लिए भाई निकल जा, खुल जा यार गैराज तो खुल जा। सो भाई अब हमें एक बार्बर के पास जाना पड़ेगा अपनी हेयर कट वगैरह करवाने के लिए ठीक है, जहाँ पे एक बढ़िया सी हेयर कट करवाएंगे और मतलब एकदम से बढ़िया हो जाएंगे ठीक है। सो के हमें कॉल आई है किसी की, ओके सो भाई मुझे जो है ना एक कॉल आई थी, जो कि एक मिशन के लिए कॉल है, और जो है सिमोन नेम के बंदे की है ठीक है। तो इसने पूरी तरह से तो नहीं बताया कि मिशन है क्या है, बस उन्हें थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रखा है ठीक है। सो पहले उसके बाद निकलते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है, क्या बोलता है भाई वो। तो पहले तो हमें यहाँ से होके टर्न होना पड़ेगा भाई, कहाँ चला है नई गाड़ी, सारे दिखता नहीं, नई गड्डी चल दिया मेरी भाई, ठोक देना अभी मैंने, बट चल कोई चक्कर नहीं है, अगली बार ठोकते तेरा तो अगली बार हिसाब करते हैं बढ़िया। फाइल इन ए व्हीकल यूज एक्स, ओके एक्स से क्या होगा, अच्छा तो गाइस एक्स से जो है मैं छुप, अच्छा ऐसे मैं नीचे बैठ सकता हूँ ठीक है। अब हमें यहाँ पे जाना है सामने जहाँ एस का साइन बना हुआ है, वेट भाई मजा आ रहा है यार गेम खेलने का, अलग खतरनाक मजा आ रहा है। सो गाइस यहाँ पे एस वाले इसमें जाना है हमें, यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है, ओके शायद ये सैलून ही है यार, हमें यहाँ पे हेयर कट वगैरह करवाना है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या सीन लिखा है, आस्क अबाउट फाइनेंस, आस्क अबाउट टेस्ट ड्राइव, ओके सो ये एक मॉल सा है और यहाँ पे सैलून है ठीक है। अच्छा सर्विसिंग स्टेशन है, अच्छा सर्विस स्टेशन है, मेरे को लगता है मेरी कार ठीक हो गई है तो ओके, उसने बोला कि तेरी कार ठीक हो गई है तू आ जा यहाँ पे ठीक है। सो ओके हमारी कार का इसने पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है, तो ये सीमेंट जो है ये मिशन वाला नहीं था, ये हमारी कार वाला होता ठीक है, जिसके बाद हमने कार दे रखी है अपनी।
फिर मुझे लगता है इसने हमारी कार का क्या बना दिया, नई कार तो नहीं बेच रहा है। वेट, सो ये बंदा है वो जो बिजनेसमैन है। ओके ओके, सो ये फ्रैंकलिन को बना दिया है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ठीक है, भाई इतना मेहरबान क्यों आ रहा हो रहा है मेरे पे? ओह शिट भाई, ये दोबारा से वापस आ गया, इसका तो मेरे को मूव ठीक नहीं लगता है। मेरे को लगता है आपस में तो फाइट कर ही लेंगे। सही, अब इसकी जलेगी भाई ये ले। सही, आपस में लड़ चुके हैं, और क्योंकि मेरे को जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया हुआ ना, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे को ही क्यों बनाया, इतनी मेहरबान मेरे पे ही क्यों है भाई ये। वेट ओके, सही, ये बंदा हो रहा है कि मुझे बनाना चाहिए था, तुमने फ्रैंकलिन को क्यों बना दिया? फ्रैंकलिन तो ऐसी है लोलू सा, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, तो आपने मेरे को क्यों नहीं बनाया, और फ्रैंकलिन को क्यों आपने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया है? बट इसको पता नहीं है कि फ्रैंकलिन क्या चीज है। अभी अभी कोई नहीं, बोलने दो इसको, उसके बाद इसका हिसाब किताब करते हैं। अभी इसको बोलने देते हैं, ठीक है, क्या क्या बोलता है, उसके बाद इसका हिसाब करते हैं अच्छे से। कैसे बोल रहा है, देखो फक ऑफ। वेट, सो ये जेलस के मारे मर गया है, सोच रहा है कि भाई इसको क्यों एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया है, मैंने भी तो इतना काम किया है, मैं भी तो गाड़ियाँ वगैरह लेके गया था, भाई चोरी तो इसने कराई थी मेरे से भी गाड़ी। ओके ओके, अब मुझे इसके साथ में जाना है, अरे बड़ा सा एटीट्यूड सा दिखा रहा है, देखो मेरे सामने कैसे बन रहा है ना। चलो इसको लेके जाते हैं एक बढ़िया सी जगह पे, शायद से पार्टी करने जाते हैं या किसी मिशन पे जाते हैं, फिर इसको दिखाता हूँ कि फ्रैंकलिन क्या चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे को ऐसे ही लगता है ना, हम भाई इसको बताते हैं ज़रा। वेट, चलते हैं इधर से फटाफट से। ओके, अपना कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इधर से निकलते हैं, पहले तो इसको जा करके तो ठोकते हैं, पहले भाई गन वाली शॉप में जाते हैं और एक गन लेते हैं बढ़िया सी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गन भी नहीं है। वेट वेट वेट, और तेरी है इसकी तेरी, चल चल चल। सो के गाइज, यहाँ से हमें अंदर के लिए टर्न होना है। वेट, चलो सो के, सामने हमारी शॉप है गन्स वगैरह की, ये है शायद से, यहाँ पे देखते हैं अगर हमें बढ़िया सी गन वगैरह मिलती है तो चला जा देख लेते हैं, अगर अपने बजट में है। वैसे भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो मेरे को बना ही दिया हुआ है, अब इतना पैसा तो मेरे पास होगा ही होगा भाई। एक तो इसकी भाई जालिसी खत्म नहीं हो रही है कि तू एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, और अपना बिहेवियर देख, तेरा बिहेवियर कैसा है, मतलब हाँ तेरे में कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का ऐसा वैसा ऐसा बोल रहा है कुछ, बट चलो कोई नहीं, इसका हिसाब भी हम करते हैं। बट इधर से तो निकलते हैं पहले, अब इसको पता नहीं है भाई आने वाले टाइम में हम राज करेंगे यहाँ पे, बट हाँ अभी बोलने दो, क्योंकि जब शेर शांत होता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो इसको बोलने दो जो ये बोलता है। इसको पता ही नहीं है भाई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी हुई है, ये तो बस अपनी तरफ से बोल रहा है कि तेरे को जो है वो उन्होंने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया और मेरे को बनाया नहीं है ना। चलो कोई चक्कर नहीं है, इसका हिसाब भी करता है, पहले इधर से निकलते हैं फटाफट से। वेट, इधर से अंदर के लिए टर्न होते हैं। ओके, अब सामने जाते हैं, वहां पे देखते हैं क्या सीन होने वाला है। वेट, ओ शेट भाई, गलत सीन हो गया था भाई, अभी ठुक गया था मैं यहाँ पे गलत तरीके से। चलो ऑल राइट, इधर से अंदर के लिए टर्न होना है, और भाई है इसकी, चलो कोई चक्कर नहीं है, रिपेयरिंग की शॉप भी अपनी है, अगर गाड़ी ठुक भी जाएगी तो रिपेयर भी कर देंगे फ्री में। चल 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 भाई, इतना भी नहीं ठुकना था भाई, ये तो गलत ठुके जा रही है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, तो ये तो सारी की सारी ठुक गई। ओके, अब हमें यहाँ पे जाना है ना। ओके, यहाँ पे अंदर पार्क करनी है क्या गाड़ी, या यहाँ पे पार्क करनी है, क्या सीन है भाई ये? चल यहाँ पे पार्क करके देख लेते हैं क्या सीन है। सो ऑलराइट गाइस, हमें यहाँ पे जाना है शायद से, अब क्या करना है हमें यहाँ पे। ओके, अब हमें इसके पीछे जाना है जहाँ जहाँ ये जाने वाला है, ठीक है। सो ओके, इधर से अंदर के लिए टर्न होना है। वेट,
चलो वेट, सही है, गलत सीन हो गया यहाँ पे। क्या जॉम्बी है क्या ये? क्या हो रहा है? अच्छा ठोकना नहीं है क्या? शार्प शूपी रखी है क्या इसने? ओके बिल्कुल आराम आराम से जाना है हम लोगों को। समझ नहीं आ रहा है इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें करना क्या है। ओके बिल्कुल आराम आराम से जाना है, वेट। ओके अच्छा हम गाड़ी चुराने के लिए आए हैं क्या? नहीं, वैसे भाई गाड़ी तो क्या ही सेक्सी है भाई यहाँ पे, क्या खतरनाक गाड़ी दिख रही है ना। ऐसे ये गाड़ी मिल जाए ना हम लोगों को चलाने को तो भाई मजे हर कुछ हो जाएंगे। ये सामने क्या चला? अच्छा बिल्लिया है क्या? वेट वेट, यहाँ पे हमें करना क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कहाँ लेके आ रहा है मुझे। ओके सर्च द गैराज। ओके हमें गैराज देखना है यहाँ पे, एक शायद से ये है क्या? सो राइट गाइज, ये क्या राजा शायद है, और यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। ओके हम लोगों ने ले लिया है, वेट ये क्या राजा क्या? ये सामने वाला है। वेट 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 भाई, कोई भी आ सकता है, पहले तो हमें यहाँ पे देखना। ओके सो गाइज, ये वाला क्या राज है? और पीछे भाई गुंडे भी आ गए शायद से, अभी कोई तो दिखा है ना पीछे भाई। ये गलत सीन हो गया, पीछे गुंडे भी आ गया है। शिट अब भाई इधर खतरनाक लड़ाई होने वाली है। ओ भाई हमने गलत ठोक दिया है। अब भाई मेरे पास तो कोई भी गन नहीं है। अच्छा पकड़ 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 पकड़, गन तो उठा ले भाई, गन उठा ले। वेट 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 वेट, वेट। भाई गन कैसे निकालूं? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है भाई, मैं गन कैसे निकालूं? वेट वेट वेट, फोन नहीं निकालना है, गन निकालनी है। वेट चल, वेट वेट चल चल तेरी है इसकी, चल चल भाई। ये गलत ठोक दिया मैंने। ओके अच्छा सामने भी है क्या? चल तेरी, हेड शॉट मारता हूँ भाई इसको। भाई ये दिखने में ना मेरे उसकी तरह लग रहा है ना। अच्छा ये सामने भी है क्या? चल तेरी, चल चल तेरी, चल 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 भाई, एक भी शॉट नहीं लग रहा है भाई मेरा। चल तेरी, वेट 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 वेट, चल तेरी, चल 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 भाई, मेरा एक भी शॉट नहीं लग रहा है क्या? इतना बड़ा नूब हूँ क्या मैं? वेट चल तेरी, सीधा हेड शॉट, इसको भी सीधा हेड शॉट। चल चल वेट वेट, चल आ जा तेरी, चल तेरी, चल तेरी, वेट वेट वेट, ले तेरी रहे इसकी भाई, इसको भी सीधा हेड शॉट मारना है। एक ये है सामने, वेट तेरी है इसकी भाई, इसको भी सीधा हेड शॉट पड़ा है। अब ये सामने है, इसको भी सीधा हेड शॉट मारना है और गेम खत्म। वेट वेट चला जा, निकल 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 भाई, निकल नहीं रहा, इसको पता लग गया मैं इसको ठोकने वाला हूँ, ठीक है? चल 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 चल। सो के गाइस अभी मरा नहीं है क्या है? सो राइट गाइस, हमने ये भी मार दिया है, अब इधर से निकलते हैं फटाफट से। चलो 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 चलो, अब इनके और ज्यादा बंदे आने वाले हैं क्योंकि। वेट 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 भाई, कहाँ पे है बंदे? भाई सामने ही है क्या ऊपर? वेट वेट भाई, गन भी नहीं है इधर तो। चल तेरी, वेट वेट, मरा नहीं है क्या है? मर गया है, अब कहाँ को जाए? सो भाई पीछे भी काफी ज्यादा बंदे आ रहे हैं यार, ये क्या गलत सीन हो रखा है। वेट वेट चला जाए, इसके बाद चलते आगे। चल चल तेरी, वेट वेट, यहाँ पे छिप जाता हूँ एक मिनट। भाई ऊपर भी क्या बंदा है क्या? अच्छा सामने है क्या? ले तेरी भाई, ऊपर भी बंदा है भाई, ले तेरी भाई, सीधा हेड शॉट मार भाई, ऊपर भी बंदा है। वेट वेट चल तेरी, वेट 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 भाई, ये तो इसको तो गलत दिखाई दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ले तेरी हेड शॉट। सो गाइस ये भी ठोक दिया है, ये भी ठोक दिया है, अब कितने बंदे बचे हैं यहाँ पे? अच्छा वो बचा था, वो भी मर गया। अब भाई ये बंदा गाड़ी लेके निकल रहा है, वेट वेट इसको ठोकते हैं। वेट 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 वेट, चल चल चल। सही एक बंदा ये है और एक ये है, ठीक है? इसको भी ठोकते हैं, इसको भी ठोकते हैं, इसको भी, इसको भी। सो गाइस हमने ये भी ठोक दिया, ये भी ठोक दिया एकदम से। वेट अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ मैं भी, शायद से अब बंदे खत्म हो चुके हैं, अब इधर से निकलने में हमारी भलाई है शायद से। भाई ये तो गलत सीन हो गया शाम। ओ भाई ये गलत सीन हो गया, बंदा एक बाइक लेके भाग गया, ठीक है? इसके पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको ठोकना पड़ेगा जाके, ठीक है? चलो चलो चलो,
गया पता नहीं कहाँ, ओ गया। चल 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 गाड़ी स्टार्ट करते हैं फटाफट से और चलते हैं इधर से, लेट्स गो। इसके पीछे जाते हैं फटाफट से। सो राइट गाइज, ये निकल गया यहाँ से, इसको भागने नहीं देना, अगर ये भाग गया ना तो गलत सीन हो जाएगा, तो हम लोग पकड़े जाएंगे, ठीक है। सो के यहाँ से निकलना है हम लोगों को, यहाँ से अंदर के लिए। ऑल राइट, यहाँ से सीधा सीधा जाना है। ओके। अरे ये गलत सीन है, इसको तो हमें ठोकना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इसको नहीं ठोका ना तो हम लोग गलत पाए जाएंगे, ठीक है। इसको तो ठोकना पड़ेगा हम लोगों को। वेट, यहाँ से हमें अंदर के लिए टर्न होना है, सामने सामने जाना है। भाई मोटी कहाँ पे आ रही है, बीच में। भाई एक मिशन चला और ऊपर से, ओ भाई क्या ये गलत स्टंट मारा यार गाड़ी ने। अरे यहाँ पे तो रोड ही ऐसे है भाई, यहाँ पे तो सारी की सारी रोडों में जो है गलत ही स्टंट मारने वाली है, ठीक है। सो के यहाँ से आगे से टर्न होते हैं क्या। वेट, चल तेरी भैंस की। सो ये बंदा जो है वो इधर घुस गया, ठीक है, इसके पीछे पीछे हमें जाना ही पड़ेगा। भाई क्या है यार, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब ऐसा सीन होता है ना। चलो लेट्स गो। भाई भागना नहीं चाहिए भाई, ये बंदा अगर भाग गया ना तो हमारा मिशन जो है वो पूरा का पूरा आधा रह जाएगा और हम लोग गलत पाए जाएंगे, ठीक है। सो इधर से अंदर के लिए टर्न होना है, ओके, और आगे से अंदर के लिए दोबारा से टर्न होना है। वेट, सो राइट गाइज, अच्छा ये सामने है क्या, चलो। भाई इसको पता नहीं है कि हम उसके पीछे आ रहे हैं, ठीक है। वो वाला एकदम से चला गया ना, उसने सोचा कि ये मेरे पीछे आ नहीं रहे हैं, बट उसको पता नहीं है कि क्या सीन होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो भाई ये सामने है, भाई ये चला हुआ है, ठीक है। सो इसको हमें जो है वो बाइक से गिराना है पहले तो, ठीक है। सो के वेट, भाई इसको शूट भी करना है। सो के गाइज, हम लोगों ने एक ही शॉट मारा इसको और एक गया यहाँ पे, ठीक है। सो के अब इधर से चलते हैं, गेट ऑन द बाइक, ओके। सो हम लोगों को जो है वो बाइक पे बैठना है और हम लोगों को बाइक पे चलना है और हमारा फ्रेंड जो है वो कार लेके चलेगा और इसकी बाइक लेके जाना है एकदम से कार वॉश स्टेशन में, ठीक है। सो के चल निकल। सो इसको आने देते हैं आराम से, हम लोग निकलते हैं इससे पहले जा करके, क्योंकि हमारे पीछे जो है वो सारी की सारी पुलिस पड़ जाएगी ना अब, तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि हमने शरेआम इसको गोली मारी हुई है ना, तो के फ्रैंकलिन जो है वो पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा भाई इस एरिया में। वेट, लॉस सैंटोस, भाई ये क्या सीन है। वेट, यहाँ से हमें अंदर के लिए टर्न होना है। वेट, अब यहाँ से हमें अंदर के लिए जाना है, ओके। ये गाड़ी भाई हमारी गाड़ी की तरह लग रही थी ना, बट हाँ वो नहीं है, ये कोई और गाड़ी है, लगने को तो लग रही थी बट हाँ वो नहीं है, कुछ और है। इधर से अंदर के लिए दोबारा से टर्न होना है। वेट, चलो लेट्स गो। सो ये हम लोग जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है और वो हम लोग बने हैं, वो इसी वजह से बने हैं क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। सो कि यहाँ से अंदर के लिए टर्न होना है। भाई ये बाइक मुझे लगता है ना काफी ज्यादा महंगी है जो हम इसके पीछे इतना ज्यादा दौड़े हैं, ठीक है, क्योंकि एक सस्ती चीज के पीछे फ्रैंकलिन को तो ये दौड़ाएंगे नहीं, काफी ज्यादा महंगी चीज होगी तभी फ्रैंकलिन को इन्होंने दौड़ाया था, ठीक है। सो के यहाँ से अंदर के लिए टर्न होना है। वेट, हमारा ये कार वॉश स्टेशन आ गया है। सो राइट गाइज, हम लोग अपने कार वॉश स्टेशन में पहुंच चुके हैं और ये बंदा हमारे से पहले पहुंच गया है, देखो कितना ज्यादा खतरनाक है ना ये। ओके, ये मेरे से लड़ाई करे जा रहा है, इसको क्या भाई क्यों जालिस कर रहा है, अगर मेरे को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना दिया तो। अब बाइक उठा के ये निकल गया और हमें यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है भाई। चलो हमारा मिशन तो कंप्लीट हो गया है। सो ऑलराइट गाइस, होप्स आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छी लगी होगी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। नेक्स्ट गेम प्ले देखना आप लोग की, ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सो कि GTA 5 की होने वाली है, ठीक है। सो ओके।